तो क्या पिछड़ा समाज का नेता संविधान के पक्ष में नहीं है जो आरएसएस बीजेपी में है? हमें अपने जाति का नेता नहीं चाहिए, हमें अपनी जाति की बात करने वाला नेता चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई विधायक हो, सांसद हो, जाति की बात करेगा वो हमारा नेता है। याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को जानवर की जिंदगी जीने के लिए अब विवश किया जा रहा है। इसके खिलाफ पिछले 8 सालों में हमने देख लिया, यह सरकार अब हम लोगों को मनुष्य नहीं रहने देना चाहती। 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुजन समाज की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। भारतीय परिसंघ, जिसके अखिल भारतीय परिसंघ, जिसके प्रमुख डॉक्टर उदित राज हैं और वर्किंग प्रेसिडेंट ओम सुधा हैं। क्या है सर एजेंडा, क्या है आप लोगों का? इस पूरे देश में जिस तरह से संविधान का खात्मा हो रहा है, जिस तरह से ईवीएम की बेईमानी जारी है, जिस तरह से संसद नाम की संस्था को ध्वस्त किया जा रहा है, जिस तरह से आरक्षण को लगभग खत्म कर दिया गया है, जिस तरह से टुकड़े टुकड़े में देश को बेचा जा रहा है, इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को जानवर की जिंदगी जीने के लिए अब विवश किया जा रहा है, इसके खिलाफ पिछले 8 सालों में हमने देख लिया, यह सरकार अब हम लोगों को मनुष्य नहीं रहने देना चाहती है। इसलिए हम लोग 28 नवंबर 2022 दिन सोमवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। और हमारा इस बार का नारा है, इस बार इस देश के दलितों, पिछड़ों, बहुजनों का नारा है, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। अब हम लोग संघर्ष करने की बात कर रहे हैं, आरएसएस से या मोदी जी की सरकार से? इस देश के जितने मनुवादी लोग हैं, इस देश में जो भाजपा की सरकार बैठी हुई है, इस देश के जो संघ के लोग हैं, इस देश के जो संविधान के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, इस देश में जो हम लोगों का आरक्षण खाने वाले लोग हैं, इस देश में जो बेईमानी से हम लोगों का कुर्सी हड़प पर, कहीं जज की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कहीं वाइस चांसलर बने हुए हैं, कहीं प्रोफेसर बने हुए हैं, हमारी हकमारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ इस बार 28 नवंबर 2022 को हम शंखनाद करने जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं वो खुद पिछड़े हैं, पिछड़ा 27 मंत्री बना दिया, पिछड़ा मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो क्या पिछड़ा समाज का नेता संविधान के पक्ष में नहीं है जो आरएसएस बीजेपी में है? हमें अपने जाति का नेता नहीं चाहिए, हमें अपनी जाति की बात करने वाला नेता चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई विधायक हो, सांसद हो, जाति की बात करेगा वो हमारा नेता है। जाति का नेता नहीं चाहिए, जाति का नेता तो संघ और भाजपा प्रतिनिधित्व देते ही हैं, जाति की बात करने वाला नेता है। जो आरएसएस बीजेपी में जो बहुजन समाज के नेता है वो समाज की बात नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते, ये समाज के खिलाफ काम करते हैं, हमने देखा। अगर ऐसा नहीं है जो गए हैं इन पार्टियों में, इन राजनीतिक दलों में जो लोग गए हैं, अगर बहुजन समाज के खिलाफ, अगर SC ST OBC के खिलाफ ये काम नहीं कर रहे हैं, तो EWS आरक्षण कैसे पारित हो जाता है? कैसे इस देश की संपत्ति रोज बेची जा रही है? जाहिर से और कोई आवाज नहीं उठती है, संसद खामोश है, विधानसभाएं चुप है, राजनीतिक दल चुप है, जाहिर सी बात है हमारी जाति का नेता तो है लेकिन हमारी जाति की बात करने वाला नेता नहीं है। विकल्प क्या है आप लोगों के पास? क्या बहुजन समाज आपको उम्मीद है सर को पढ़ाएगा, एकजुट होगा? आप लोग के बारे में तो कहा जा रहा है कि आप लोग डरे हुए लोग हैं। देखिए सीधी सी बात है, अगर संसद खामोश होगी तो, अगर सड़क खामोश होगी तो संसद आवारा हो जाती है। अब सड़क चिल्लाएगा और सड़क से जिस तरह हम लोगों ने 2 अप्रैल 2018 को चिल्लाया था और रण किया था, उसी तरह से अब रण करने का समय है। देश के दलित, SC ST OBC उब चुके हैं और जो 28 नवंबर की हमारी रैली है, महारैली है रामलीला मैदान की, ये उसी क्रांति का आगाज है कि अब चुप नहीं बैठे। कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं इस रैली में? कोई पॉलिटिकल पार्टी, सामाजिक कार्यकर्ता, कौन कौन लोग आ रहे हैं? हमारे जो मुद्दे हैं, ईवीएम का सवाल है, संविधान बचाने का सवाल है, नई संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर करने का सवाल है, निजीकरण के खिलाफ संघर्ष का सवाल है, आरक्षण बचाने का सवाल है, इन तमाम सवालों पर जो भी बोलना चाहे, जो भी कहना चाहे ईमानदारी से, वो हमारे साथ आ सकते हैं। उनके लिए खुला दरवाजा, अपना झंडा, अपना डंडा, अपना बैनर लेकर आए। यह लड़ाई किसी डॉक्टर ओम सुधा, किसी परिसंघ या डॉक्टर उदित राज जी की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई अब आखिरी लड़ाई है। यह लड़ाई देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, यह लड़ाई देश के अंबेडकरवाद को बचाने की लड़ाई है, देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, जय भीम के नारे का जो मर्म है, उस मर्म को बचाने की लड़ाई है और हम सबके आत्मसम्मान की लड़ाई है। क्या रहेगा शेड्यूल, क्या रहेगा 28 नवंबर 2022
28 नवंबर 2022 को हम लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में 11 बजे से रैली करेंगे। दिन सोमवार का है। जो भी साथी नेशनल दस्तक के माध्यम से जुड़े हैं, यह हमारा अपना चैनल है समाज का, जो भी साथी इस रैली में जुड़ना चाहते हैं, मैं अपना नंबर बोल देता हूं, वो सीधे संपर्क कर सकते हैं 8789325595। ये हमारा नंबर है रैली से जुड़ने के लिए, आप सीधे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और क्या क्या मुद्दे हैं जो 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 आप लोग उठा रहे हैं, और क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी से भी बात हुई है? क्या पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी चाहे तो इस मंच पर आ सकते हैं? बिल्कुल, अगर कोई संविधानवादी राजनीतिक दल का नेता हो, राजनीतिक दल का हो, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। संसद संविधान बचाना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। ये तमाम मुद्दे, चाहे EVM का सवाल हो, चाहे जाति जनगणना का सवाल हो, चाहे मंडल कमीशन की सिफारिशों को पूरे देश में लागू करने का सवाल हो। अभी हम लोग जम्मू कश्मीर में रैली कर रहे थे, शंभू जी थे आप उसमें, OBC समाज वहां का तड़प रहा है कि मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हो। क्यों नहीं कोई वाइस चांसलर SC ST OBC का होता है? क्यों नहीं कोई जज दलित और आदिवासी होता है SC ST OBC समाज का? यह लड़ाई उसकी लड़ाई है, और यह सब हम सबके आत्मसम्मान की लड़ाई है। और जिस कारवां को लेकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, फूले पेरियार से लेकर मान्यवर कांशीराम साहब तक जिस लड़ाई को लड़ा गया है, उसी लड़ाई को हम आगे लड़ेंगे। और इस लड़ाई को लड़ने से कोई हमें रोक नहीं सकता। हम लड़ते रहे, हमने तो पानी पीने के लिए संघर्ष किया, हमें पानी पीने का हक लड़कर हासिल हुआ है। हमें तो हमारी माता सावित्री बाई फुले को पहनने के लिए कपड़ा, पढ़ाने के लिए साड़ी बदलना पड़ता था, तो हम लोग उस माता सावित्री बाई फुले के बच्चे हैं। हम लोग लड़ना जानते हैं, अपने अधिकार हक हुकूक को हम लोग आसानी से जाने नहीं देंगे, हम लड़ेंगे। 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुजनों की बड़ी बैठक होने जा रही है। सोचिए, सोशल मीडिया आने के बाद देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एकजुट होने लगे हैं, और वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में भी तब्दील होते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पार्टी कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे BJP हो, लगातार कांग्रेस ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित बनाया है। BJP की नज़र OBC वोटों पर है, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से सचेत हो रहे हैं, और वो अपनी भागीदारी का सवाल ढूंढ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, 21वीं सदी अंबेडकर की सदी होगी, संविधान की सदी होगी, डेमोक्रेसी की सदी होगी, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से बहुजन समाज के लोग जागरूक हो गए हैं, और मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में अपनी भागीदारी ढूंढ रहे हैं। 28 नवंबर को रामलीला मैदान में रैली रखी गई है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या जो ओम सुधा जी ने मांगे रखी है वो जायज है या गलत है। आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत जरूरी है, सोशल मीडिया ये मौका देता है कि आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन धारण के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।